हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलोनी सिन्हा है। मैं आप लोगों के साथ ये चाइनीज़ पल्स ऑक्सीमीटर का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। सो ये आजकल बहुत ही आसानी से मिल जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू शेयर अ रिव्यू विथ यू। इसको मेजर कर, इसमें अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने के लिए आपको आपकी फिंगर अंदर डालनी होती है और स्विच ऑन करना होता है, एंड देन यू हैव टू कीप इट फॉर 10-15 सेकेंड्स। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। So for me, it is showing that my oxygen saturation is 95 and my pulse is 67. Okay, it has become 97 and 76. Okay, now 98. फिर अपनी finger निकालने के बाद it is showing finger out. Now I'll try the same thing with my pen. Okay, so I'm putting my pen inside and then I'm switching it on. And then I'm just checking if it will show some bleeding. And see, you can see that even with pen डालने के बाद भी it is showing that pen has a oxygen saturation of 96 and a pulse of 147. So आप खुद ही देख सकते हैं that these Chinese pulse oxymeters are not at all reliable. ये आपको एक false sense of security देगा। हो सकता है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और आप अपना oxygen saturation इसमें check करेंगे and it will show normal values, which would be false. So kindly do not buy these pulse oximeter if at all you are considering buying कोई भी pulse oximeter अपने या अपनी family के लिए। Thank you. Hello everyone, मेरा नाम डॉक्टर सलोनी सिन्हा है। मैंने एक पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ ये Chinese pulse oximeter का review share किया था। मैंने एक ज़्यादा ऑथेंटिक पल्स ऑक्सीमीटर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा था, बट सिंस इसको आने में 2 दिन का टाइम था एंड मेरी COVID-19 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गए, तो जल्दबाजी में मेरे पेरेंट्स ने पास के किसी शॉप से ये वाला ख़रीद लिया। मैं आप लोगों के साथ अब इस वाले का भी रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। सो सिमिलरली जैसा कि पिछले वाले में किया था, आपको अपनी फिंगर अंदर डालनी है एंड देन यू हैव टू स्विच इट ऑन एंड कीप इट फॉर अराउंड 10 सेकेंड्स। And you can see it's showing my oxygen saturation to be 99 and pulse to be 91. Okay, now when I taking out my finger, तो it's saying finger out. और अब मैं अपने pen डाल के check करने वाली हूँ कि if it will show any reading. So I put this pen inside and then as you can see, it is not showing any reading. So this is how it is supposed to be. If we take out our finger and we put something that is non-living इसके अंदर, तो इसकी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। सो देखिए, ये स्विच ऑन करने के बाद भी इट्स नॉट रीडिंग एनीथिंग। सो इफ़ एट ऑल आपको अगर ख़रीदना है तो प्लीज़ जो प्रॉपर ऑथेंटिक पल्स ऑक्सीमीटर है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वही ख़रीदिए, कोई लोकल चाइनीज़ वाला ख़रीदने का कोई पॉइंट नहीं है। एंड इवन दो दीज आर 3-4 times मोर एक्सपेंसिव, इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू बाई, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद दीज वंस, बिकॉज दीज वंस आर टोटल वेस्ट। थैंक यू।